हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक लैंग्वेज देखी थी, ए रेस्ट टू द पावर एन, बी रेस्ट टू द पावर टू एन, और इसके लिए पीडीए डिजाइन किया था। आइए आज हम डिजाइन करते हैं पीडीए और ए रेस्ट टू द पावर एन एंड बी रेस्ट टू द पावर टू एन प्लस वन, वेर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। इसका मतलब है कि अगर एन की वैल्यू वन है तो ए पावर वन और बी की वैल्यू थ्री हो जाएगी, बी रेस्ट टू द पावर थ्री हो जाएगा। अगर एक एन की वैल्यू टू है तो ए स्क्वायर बी पावर फाइव हो जाएगा, एन की वैल्यू अगर थ्री है सो ए क्यूब बी रेस्ट टू द पावर सेवन होगा। इसका मतलब बी की संख्या ए की संख्या के दोगुनी से एक ज्यादा है। इसके लिए अगर हम पीडीए डिजाइन करना चाहें तो ये जो गिवन पीडीए प्रीवियस एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें हम बहुत ही स्लाइट चेंज करेंगे और हमारा इस लैंग्वेज के लिए पीडीए बन जाएगा। तो दो मेथड से मैं आपको ये करना बताऊंगा। पहला मेथड, मान लीजिए कि आपने ए स्क्वायर ऑफ बी रेस्ट टू द पावर फाइव स्ट्रिंग ली है ऐसी, और लास्ट में आपने एप्सिलॉन ले लिया। तो आपको क्या करना है कि जो पहला ए मिले आपको उसके करस्पॉन्डिंग आप तीन ए स्टैक में पुश कर लीजिए। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट ए। सेकेंड ए जब आपको मिले तो आपको स्टैक के टॉप पे ए दिखेगा, उस केस में आप दो ही ए को पुश कीजिए। इसके बाद जब आपको बी दिखेगा और स्टैक के टॉप पे ए मिलेगा तो पॉप कर दीजिए। फिर बी मिला स्टैक के टॉप पे, ए हुआ, पॉप कर दीजिए। फिर बी मिला स्टैक के टॉप पे, ए है, पॉप कर दीजिए। फिर बी मिला स्टैक के टॉप पे, ए है, पॉप कर दीजिए। फिर बी मिला स्टैक के टॉप पे, ए है, पॉप कर दीजिए। एप्सिलॉन के केस में आपको जेड नॉट दिखेगा स्टैक के टॉप पे तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सो लेट्स डिजाइन द पीडीए फॉर दिस। सो आई एम एट द क्यू जीरो स्टेट, आई गेट सिंबल ए एज इनपुट, स्टैक टॉप इज जेड नॉट, आप ए को स्टैक पे पुश कर लीजिए। फिर इसके बाद, सॉरी नॉट ए को बल्कि तीन ए को पुश करना है मुझे स्टैक पे। सो ए के दो ए और तीन ए मैंने पुश कर दिया और जेड नॉट स्टैक के टॉप पे ऑलरेडी है। जब सेकेंड ए आपको दिखेगा इनपुट में तो स्टैक के टॉप पे ए होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप दो ए को पुश कर दीजिए। तो दो ए पुश कर रहे हैं और करंट स्टैक का टॉप ए है। इसके बाद जैसे ही आपको बी दिखेगा आप स्टेट को चेंज कीजिए। बी दिखा स्टैक के टॉप पे ए है तो आप इस सिंबल को पॉप कर लीजिए और नेक्स्ट स्टेट क्यू वन में मूव कर जाइए। क्यू वन स्टेट में मुझे फिर से ए दिखता है, इसको पॉप कर दीजिए और आगे चले जाइए। तो क्यू वन स्टेट में रहेंगे जितने बीज आते रहेंगे उनके लिए। इसके बाद अगर आपको एप्सिलॉन दिखेगा और स्टैक के टॉप पे जेड जीरो होगा तो इसको अनचेंज करते हुए आप फाइनल स्टेट क्यू एफ में मूव कर जाइए। सो दिस इज द वे वी कैन डिजाइन द पीडीए फॉर द गिवन लैंग्वेज। एक और तरीका है इसको डिजाइन करने का, अगर हम यूनिफॉर्म पुश करना चाहते हैं या दो ए ही पुश करना चाहते हैं तो उस केस में हम इसको दूसरे तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। लेट से कि आपके पास डबल ए और फाइव टाइम्स बी, ये इनपुट टेप पे है और एक एप्सिलॉन है। तो आपने एक स्टैक लिया और स्मॉल ए मिला, आपने पुश स्मॉल ए इनपुट में मिला, आपने क्या किया कि इसको दो ए पुश कर दिया। पहला ए के कोरस्पॉन्डिंग, फिर दूसरे ए के कोरस्पॉन्डिंग दो ए को और पुश कर लीजिए। फिर तीसरे सिंबल बी है उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉप करना स्टार्ट कीजिए। फिर बी पॉप कीजिए, फिर बी पॉप कीजिए, फिर बी पॉप कीजिए, फिर बी पॉप कीजिए। चार बी के कोरस्पॉन्डिंग आपने पॉप कर दिया। जैसे पांचवा बी आएगा आप चेक कर लीजिए कि जेड नॉट दिख रहा है क्या आपको स्टैक के टॉप पे। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाइए, और नेक्स्ट स्टेट में मूव करने के बाद जब आपको एप्सिलॉन दिखेगा और स्टैक के टॉप पे जेड नॉट होगा तो आप मूव कर जाइए फाइनल स्टेट में। तो आइए इसके लिए हम पीडीए डिजाइन करते हैं। सो क्यू जीरो इज द स्टार्ट स्टेट, मुझे ए मिला और स्टैक के टॉप पे जेड जीरो है, मैंने दो ए पुश कर दिया। जब मुझे स्टैक के टॉप पे ए दिखा और इनपुट भी ए है तो मैंने दो ए पुश कर दिया। इसके बाद जैसे ही मुझे बी दिखा मैंने पॉप करना स्टार्ट किया। बी दिखा स्टैक के टॉप पे ए है तो मैं इसको एप्सिलॉन किया मतलब कि पॉप किया और क्यू वन स्टेट में मूव कर गया। क्यू वन स्टेट में मुझे और भी बीज दिखेंगे।
जैसे बी दिखेगा स्टैक के टॉप पे ए होगा, आप पॉप कीजिए लेकिन क्यू वन स्टेट में लेंगे। इसके बाद एक बी आपको ऐसा दिखेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको स्टैक के टॉप पे जेड जीरो मिलेगा। तो आप कोई भी चेंज मत कीजिए, आप बस स्टेट चेंज कर दीजिए अपना, मूव टू स्टेट नंबर क्यू टू। क्यू टू स्टेट में अब आपको कोई और बी नहीं दिखेगा, केवल एप्सिलॉन आपको मिलेगा। सो अगर आपको एप्सिलॉन दिखता है और आप जेड जीरो स्टेट में है, सॉरी जेड जीरो स्टेट स्टैक के टॉप का सिंबल है, उसको जेड जीरो ही रहने दीजिए और आप फाइनल स्टेट क्यू एफ में मूव कर जाएंगे। इससे आपने क्या इंश्योर किया कि अगर ए की संख्या एन है तो टू एन बी के कोरस्पॉन्डिंग आप पॉप कर रहे हैं, और जो लास्ट बी है टू एन प्लस फर्स्ट बी जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग बस आप स्टेट का चेंज कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उस वाले बी के बाद एप्सिलॉन आ जाएगा, आप उसको फाइनल स्टेट में भेज दीजिएगा। सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज फॉर विच बाई विच वी कैन डिजाइन द पीडीएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स in the subsequent lecture.